आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकीय संग्रहालय मथुरा द्वारा एक कदम संग्रहालय की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह जनपद के स्कूली बच्चों को संग्रहालय भ्रमण का अवसर मिलेगा। शुक्रवार को सेठ बी एन पौदार स्कूल के 70 स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और संग्रहालय का भ्रमण किया। स्कूली बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकीय संग्रहालय मथुरा ने एक कदम संग्रहालय की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि प्रत्येक सप्ताह इस कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों को संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले दिन सेठ बी एन पौदार स्कूल के 70 स्कूली बच्चों ने संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों को संग्रहालय में रखी वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान एक क्विज कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और अधिकतम अंक हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार स्वरूप कॉमिक्स वितरित की गई। संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने बताया कि संग्रहालय प्रत्येक सप्ताह एक विद्यालय को संग्रहालय भ्रमण के लिए आमंत्रित करेगा और उसके मध्य एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित कराएगा। डॉक्टर राठौर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी भावी पीढ़ी को हमारे इतिहास से परिचय कराते हुए उन्हें हमारी गौरवशाली संस्कृति के वैभव, प्राचीनता के प्रति लगाव, समर्पण और प्रेम की भावना का विकास करना है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में एक योजना प्रारंभ की गई है, एक कदम संग्रहालय की ओर, जो हमारी संस्कृति के अवशेष हैं, जो संस्कृति का वैभव है, जो म्यूजियम में प्रदर्शित है और जिनको हम युवा पीढ़ी से परिचित नहीं करा पाते थे, इस योजना के द्वारा हम उस युवा पीढ़ी को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे संग्रहालय का लक्ष्य है कि हर सप्ताह हम इस मथुरा जनपद के एक स्कूल को बुलाएंगे, उनके विद्यार्थियों को पूरे संग्रहालय का विधिवत भ्रमण कराएंगे और फिर भ्रमण के पश्चात उन्होंने जो उस भ्रमण में पाया उसकी एक क्विज प्रतियोगिता और भ्रमण की एक रिपोर्ट कि उन्होंने क्या देखा क्या सीखा, उसके आधार पर उनकी मार्किंग करेंगे और उत्कृष्ट 10 बच्चों को यहाँ पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा।